जय श्री राम प्यारे भक्तों। राम जी कहते हैं, ऐसे मनुष्यों के हृदय में मैं सदा ही वास करता हूँ, और जिस मनुष्य के हृदय में राम जी का वास है उसके सारे कार्य निसंदेह बनेंगे, उसकी सारी इच्छाएं तत्क्षण पूरी होंगी, चाहे वो सांसारिक हैं चाहे वो आध्यात्मिक हैं। अब आप ऐसा सोचते होंगे कि राम जी तो सबके हृदय में वास करते हैं। हाँ प्यारे भक्तों, हम सबके हृदय में भगवान का वास निसंदेह है, लेकिन जब तक आप उनको जानेंगे नहीं और जानकर मानेंगे नहीं, तब तक आप लाभ नहीं उठा सकते। जिस प्रकार आपके घर में लाइट है, बल्ब लगा हुआ है, लेकिन जब तक आप स्विच ऑन नहीं करोगे तब तक वो आपको रोशनी नहीं देगा। इसी तरह से राम जी का स्विच, यानी कि कैसे जाना जाए उनसे, उनको भक्ति के द्वारा जाना जाएगा, निर्मल मन के द्वारा उनको जाना जाएगा। एक छोटे से उदाहरण से समझिए। एक बार एक सन्यासी घूमते फिरते एक दुकान पर आए। दुकान में अनेक छोटे बड़े डिब्बे थे। एक डिब्बे की ओर इशारा करते हुए सन्यासी ने दुकानदार से पूछा, इसमें क्या है? दुकानदार ने कहा, इसमें नमक है। सन्यासी ने फिर पूछा, इसके आगे वाले डिब्बे में क्या है? दुकानदार ने कहा, इसमें हल्दी है। इसी प्रकार सन्यासी पूछते गए और दुकानदार बताता रहा। अंत में जो सबसे लास्ट में डिब्बा रखा था, जब उसका नंबर आया तो सन्यासी ने पूछा, उस अंतिम डिब्बे में क्या है भाई? दुकानदार बोला, उसमें राम राम है। सन्यासी ने पूछा, यह राम राम किस वस्तु का नाम है? दुकानदार ने कहा, महात्मन, और डिब्बों में तो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, पर यह डिब्बा खाली है। हम खाली को खाली न कहकर राम राम कहते हैं। सन्यासी की आंखें खुली की खुली रह गई। ओह, तो खाली में राम रहता है, भरे हुए में राम को स्थान कहाँ? इसी प्रकार प्यारे भक्तों, जब तक आपके अंदर लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष और भली बुरी बातों के लिए आपके हृदय में जगह है, यानी जब तक आपके अंदर ये सब चीजें हैं, तो तब तक आपका मन, आपका हृदय तो इन चीजों से भरा हुआ है, वो तो खाली है ही नहीं। और वो खाली नहीं है तो फिर ईश्वर का वास, यानी राम जी का वास कैसे होगा? राम यानी ईश्वर तो खाली यानी कि साफ सुथरे मन में निवास करते हैं, ये निश्चित है, क्योंकि भगवान दिव्य हैं और दिव्य को दिव्य से प्राप्त किया जा सकता है और दिव्य से ही जाना जा सकता है। यानी आपका मन जब पूर्णतः दिव्य हो जाएगा तो निश्चित ही भगवान आपके मन में सदा सदा के लिए बस जाएंगे, आपके हृदय को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जो चाहोगे वो मिलेगा, सभी इच्छाएं तुरंत पूरी होंगी। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि मन को निर्मल और दिव्य कैसा किया जाए? तो अगर आप स्वयं चाहेंगे ना, तो आप में इतनी शक्ति नहीं कि आप स्वयं कर पाएं, लेकिन आप राम नाम का सहारा ले लेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये मन इतना शीघ्रता से निर्मल हो जाएगा कि जैसे कभी मलिन हुआ ही ना होगा। तो नाम जपिए और अपने मन को दिव्य और पवित्र कीजिए और खाली कर दीजिए सभी विकारों से, और फिर देखिए चमत्कार, आपकी काया ना पलट जाए तो कहना प्यारे भक्तों। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्त।